टेंथ क्लास बेटे आज बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने लगे हैं हम लोग। थ्योरम 6.6, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। समरूप है ना, ये देखो समरूप इन सेम एक जैसे हैं, एबीसी और पीक्यूआर। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इनके क्षेत्रफल मीन एरिया, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इनकी संगत भुजाओं, हाँ जी बेटे देखो संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं, जैसे ए बी है, इधर कौन सी है पी क्यू, इनका वर्ग मतलब हमें पहले तो जो दिया वो लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर, हमें बोला ना समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। अब इनके सिद्ध जो करना है क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल का मतलब एरिया, त्रिभुज ए बी सी का बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर किसके बराबर है, ए बी बटा संगत भुजाओं, बोला ना संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग, संगत भुजाएं कौन सी ए बी और पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू का वर्ग स्क्वायर आ गया बराबर है, दूसरी क्या है बी सी बटा क्यू आर उसका स्क्वायर आ गया बराबर है ए सी बटा पी आर इसका स्क्वायर आ गया। बेटे ये हमें सिद्ध करना है और हमने यहाँ पर एक रचना की है त्रिभुज, देखो कहाँ पे ए डी को लंब खींचा यहाँ पे बी सी पे और पी एम को लंब खींचा क्यू आर पे, इधर मैंने नंबर एक दे दिया, इधर नंबर दो दे दिया, ये कोण को हमने एक दो नंबर दे दिया। अब देखिए बेटा प्रूफ है, हम शुरू कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके पी क्यू आर के, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो जहाँ तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है समान होता है, जहाँ उनके कोण भी बराबर होते हैं, यहाँ पे हम कोण से बात चलाते हैं, कोण ए किसके बराबर होगा कोण पी के, कोण बी किसके बराबर होगा कोण क्यू के, और कोण सी किसके बराबर होगा कोण आर के, तो हम लिखेंगे यहाँ समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है यहाँ दे दिया, इसको नंबर एक दे दिया यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया कि इसकी जो भुजाएं होती हैं, जो संगत भुजाएं, जो भुजाएं होती है वो क्या होती है समान अनुपात में होती हैं, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, तो हम ये भी लिख लेंगे, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ये मैंने आपको दोनों बता दिए, दोनों चीजें होती हैं उसके लिख दिया। अब हमें जो क्वेश्चन सिद्ध करना था एरिया चाहिए, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, देखो बेटे ए त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया मीन क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला था, एक बटा दो आधार गुना लंब। अब ए बी सी में देखिए आधार कितना है बी सी और लंब कितना है ए डी, तो क्या आएगा एक बटा दो आधार बी सी गुना ए डी। इसी तरह से बेटे इधर दूसरी त्रिभुज जो है कौन सी है पी क्यू आर, इसमें आधार कितना है क्यू आर और लंब कितना है पी एम, तो क्या होगा एक बटा दो क्यू आर गुना पी एम, एक बटा दो से एक बटा दो कट गए और हमारे पास बचा बी सी बटा क्यू आर गुना ए डी बटा पी एम, इसको हमने दे दिया नंबर तीन, ठीक है यहाँ तक तो सबको समझ आ गई होगी। अब बेटे इसके बाद देखिए हमारे पास त्रिभुज दो कौन कौन से छोटे छोटे त्रिभुज ले रहे हैं, एक ले रहे हैं ए बी डी और दूसरा ले रहे हैं हम पी क्यू एम, ये दो, ये वाला और ये वाला त्रिभुज, इसमें देखो कोण बी जो है वो किसके बराबर है कोण क्यू के, यहाँ पे हम लिखा देते हैं कोण बी कोण क्यू के बराबर है, ठीक है और वो हमने लिख दिया वहां पे कोण बी बराबर है कोण क्यू, और नंबर एक और नंबर कोण एक और दो भी बराबर है, कोण एक और कोण दो बराबर है क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, तो यहाँ पे कोण एक बराबर है कोण दो प्रत्येक 90 डिग्री आ गया। ए ए समरूपता से दोनों कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे, ये दोनों छोटे त्रिभुज जो है वो समरूप हो गए, तो फिर क्या होगा इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इसकी पहले भुजा ले रहे हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी, अब ये ले लिया लंब मैंने ए डी बटा पी एम, देखो ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। अब बेटे नंबर तीन में जो हमने यहाँ पे लिखा था, नंबर तीन देखो यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे जो ए डी बटा पी एम निकाला है वो यहाँ पे ए डी बटा पी एम की जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, तो नंबर तीन में इसकी जगह पे जो था ये ए डी बटा पी एम की जगह पे हम क्या लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू, वो यहाँ पर लिखेंगे नंबर तीन में एरिया जो है क्षेत्रफल किसका ए बी सी बटा क्षेत्रफल पी क्यू आर का, क्या होगा बी सी बटा क्यू आर वैसे रहेगा, बी सी बटा क्यू आर वैसे रहा गुना, हाँ जी ए डी बटा पी एम की जगह पे देखो बेटे ए डी बटा पी एम की जगह पे क्या लिख रहे हैं ए बी बटा पी क्यू, यहाँ पे लिख दिया ए बी बटा पी क्यू। अब हमारे पास जो है ये क्वेश्चन में इतना आ गया, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर था, यहाँ से देखिए नंबर दो से ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर है बी सी बटा क्यू आर के, तो बी सी बटा क्यू आर की जगह पे हम क्या लिख देते हैं ए बी बटा पी क्यू, नंबर दो से यहाँ पे आप लिख देना साथ में नंबर दो से, यहाँ पे पता चल जाएगा हमने कहाँ से लिखा नंबर दो से, ये
तो आ गया इसकी जगह पे हमने ए बी बटा पी क्यू लिख दिया और ये भी ए बी बटा पी क्यू, तो दो बार आ गया ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। तो बेटा ये बराबर प्रूव कर दिया। अब फिर नंबर दो से, क्योंकि ए बी बटा पी क्यू जो है किसके बराबर है, बी सी बटा क्यू आर के बराबर है ए सी बटा पी आर के, तो आपने इसके उनके स्केयर भी बराबर होंगे, उसकी का वैल्यू पुट करोगे तो ये जो हमें सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर दिया। बेटे थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चार चार बार कॉपीज पे लिखो, लर्न करो, तभी आपको ये याद होगी और बेटा पेपर में आती है ये थ्योरम।